What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 3 फरवरी 2020 मंडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं. नया वीक शुरू हो रहा है. लास्ट सैटरडे बजट पेश हुआ और बजट पेश होने के बाद निफ्टी में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली. तो क्या इसका असली रीज़न सिर्फ और सिर्फ बजट था या फिर और कुछ था? अगर आप फ्राइडे को देखें तो यूएस मार्केट जो थे वहाँ पर करीब 600 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी. यानी फ्राइडे यूएस मार्केट जब भी ओपन हुए तो वहाँ पर ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला था. तो सिर्फ और सिर्फ बजट ही इसका कारण नहीं है. बजट से पहले जो ये वायरस अटैक हुआ है चाइना के ऊपर, इसका काफ़ी प्रेशर दुनिया भर के मार्केट्स में देखने को मिल रहा है. चाइना काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें करता है तो स्पेयर पार्ट्स रॉ मटेरियल दुनिया भर सप्लाई करता है. तो अगर यहाँ से अगर रॉ मटेरियल ही नहीं जाएगा तो दुनिया भर के जो प्रोडक्शन हाउस है उनका जो टारगेट है आने वाले क्वार्टर का वो गिर जाएगा. दुनिया भर में हमें इसका असर देखने को मिलेगा. तो गोल्डमैन सैक्स जो कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसने भी वार्निंग दिया है कि यूएस इकोनॉमी में भी स्लो डाउन आ सकता है. तो इसके मद्देनज़र फ्राइडे को भी ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिला. उसके बाद जो बजट आया उसमें एक सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए जो अलग अलग पॉइंट्स थे वो अच्छे थे, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए सिर्फ एक पॉइंट था, वो LTCG टैक्स. उसके बारे में कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाई दिए. जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था वो सेम अभी भी चल रहा है. तो इसके वजह से बाजार वहाँ पर नाखुश दिखाई दिया. ओवरऑल बजट देखें तो इंडिया के ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को खुश करने के लिए काफ़ी अच्छा था. लेकिन जो ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, इससे वजह से और यहाँ पर पैनिक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ है. तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए एक बजट हाइलाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. तो ये बजट के कुछ मेन पॉइंट्स थे. अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक काफ़ी फोकस था फाइनेंस मिनिस्टर का. उसके बाद मिडिल क्लास की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ा दी है, इनकम टैक्स रेट को कम कर दिया है. तो हो सकता है मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा खरीदारी करें. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काफ़ी जोर दिया गया. अगर आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, सबको जॉब्स ओपन करने हैं, तो आपका इंडस्ट्री यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है. लेकिन इंडस्ट्री कब आएगा? अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तभी यहाँ पर इंडस्ट्री आ सकता है. तो आप देख सकते हैं 2014 के बाद कई सारे शहरों में मेट्रोस का काम बहुत जल्द गति से शुरू हुआ है. उसके बाद हाईवेज बना रहे, ब्रिज बना रहे, पोर्ट्स बना रहे. तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनाने के ऊपर काफ़ी अहम फोकस था. बूस्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे योजनाओं का फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया. स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी सारी बातें फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कही. और GST रिटर्न है, उसका न्यू सिंप्लीफाइड वर्जन आने वाला है अप्रैल 2020 से, तो इसमें कुछ राहत मिल सकती है. LIC का IPO, इसके ऊपर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है. गवर्नमेंट का कंपनी है लेकिन IPO मार्केट में कंपनी क्यों लाता है? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होती है. अभी ये पैसे की ज़रूरत क्यों है? LIC को क्या है, बिजनेस ग्रो करना है या फिर डेट है? डेट LIC में देखे तो हर एक बंदा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा LIC मार्केट में लगाता है. तो LIC के पास अभी ये पैसे की क्यों गरज है? तो इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है. सातवां है DDT टैक्स, कंपनीज के लिए ये रिमूव कर दिया है. तो कॉरपोरेट टैक्स के कटौती के बाद कंपनीज के लिए और एक राहत है. लेकिन जो DDT टैक्स है, ये जो रिसिपेंट जो इसे रिसीव करेगा उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन कंपनीज के लिए ये अच्छा है. और मेन पॉइंट था LTCG टैक्स, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की निगाहें थी लेकिन ये अनचेंज हुआ. को LTCG टैक्स में कुछ भी राहत देखने को नहीं मिली. LTCG टैक्स फेब्रुआरी 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था. ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, 2018 ये 2019. उसके पहले 2 साल अगर हम देखें 2016 और 2017,
तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स लगभग 7500 से लेके 11000 यानी 3500 पॉइंट तक बढ़ा है 2 साल में। लेकिन LTCG टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद 2018 और 2019 इसमें देखें तो 11000 से सिर्फ 12400 तक ये बढ़ा है, यानी 1400 तक बढ़त हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि LTCG टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद जो इन्वेस्टर्स इक्विटीज़ में पैसा लगाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे, उनके ऊपर थोड़ा काफ़ी असर यहाँ पर गिरा हुआ है। अगर ये जो फॉल आया है इसको हमने एनालिसिस किया था RSI वर्सेस प्राइस एक्शन के बिहेवियर से। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर ये हायर हाइज बना रहा है और नीचे RSI लोअर हाइज बना रहा है। तो अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो ये एनालिसिस हमने कई दिनों पहले ही किया था कि यहाँ पर स्ट्रेंथ, बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि RSI हमें पहले ही सिग्नल देता है कि प्राइस एक्शन में कैसा बिहेवियर होने वाला है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मंथली चार्ट है इसमें ये 2016 के बाद अभी भी इसने 20 EMA को ब्रेक नहीं किया है मंथली चार्ट में। तो अभी भी होप्स है कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड फिर से एक बार हमें दिखाई दे जब तक ये 20 EMA को ब्रेक नहीं करता मंथली चार्ट में। तो ये मंथली चार्ट का एनालिसिस, हमने बजट के भी कुछ फ्यू पॉइंट्स देखे। चलते हैं वीकली चार्ट में। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पर हमने फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। अभी इसने 50% के पास 11760 के पास कुछ देर ये पॉज ले रहा था, लेकिन आखिरी का जो एक घंटा था वहाँ पर सेलिंग प्रेशर और बढ़ गया और यहाँ से ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करने लगा। अभी 50% का ये जो ब्लू लाइन है इसी के पास 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो ये वीकली चार्ट में सपोर्ट बन रहा है। अगर हम इसे डेली चार्ट में देखें, ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट, ये लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका ये जो लो है, अगर मैं 100 EMA को 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूँ तो एग्जैक्ट इसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो इसके नीचे तुरंत 11600 का ये सपोर्ट है। 11600 अगर ब्रेक होता है तो एज़ पर प्राइस एक्शन हमें नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर ये गैप क्रिएट हुआ था। आप ये देख सकते हैं जब कॉरपोरेट टैक्स में यहाँ पर कटौती हुई थी उसके बाद ये गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है 11450 ये नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। अभी पैनिक मूव कहाँ से ये निफ्टी इंडेक्स को और साउथ की तरफ ले जा सकता है, इन सपोर्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये एनालिसिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि 11450 अगर 600 को ब्रेक करता है तो 450 के पास इसका सपोर्ट होगा। और उसके बाद अगर ये यहाँ पर मूविंग एवरेजेस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाते हैं, यानी अगर हमने पास्ट में जैसे देखा कि अगर मूविंग एवरेज डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चले जाते हैं और उसके नीचे अगर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो इसे कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी फिलहाल मूविंग एवरेजेस देखे तो ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है। तो यहाँ पर ये पैनिक मूव आने के बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट में अभी 30 के लेवल के पास RSI है, ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। तो ओवरसोल्ड जोन में जाने के बाद एक रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। तो 450 या फिर 600 इन लेवल्स के पास एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर फिर से अप ट्रेंड देखना है तो फिर से इसे हायर आए हायर लोस के पैटर्न दिखाने होंगे और तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब तक निफ्टी इंडेक्स चला नहीं जाता यहाँ से अपसाइड ट्रैवल करते हुए हमें निफ्टी इंडेक्स नहीं दिखाई दे सकता। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। बजट अच्छा है लेकिन स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए जो LTCG टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसके बारे में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो इसके कारण मार्केट में पैनिक दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इंडिया के ग्रोथ के लिए बजट काफ़ी हद तक अच्छा है। तो यहाँ पर यह डेली, वीकली और मंथली चार्ट का हमने एनालिसिस किया। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। यह 60 मिनट का चार्ट है। अगर आज के लिए ट्रेड करें तो काफ़ी आज भी पैनिक मूव देखने को मिल सकता है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें
तो नासडैक जैसे फ्राइडे हमने डाउ को देखा, यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए थे। एसजीएक्स निफ्टी आज भी 300 पॉइंट की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट लंबी छुट्टी के बाद, चाइनीज हॉलीडे था, तो यहाँ पर आज जब ओपन हो चुका है तो 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी वहाँ पर एक रिकवरी आ रही है, तो डाउ फ्यूचर में रिकवरी आ रही है, लेकिन एशियाई बाजार देखें तो अभी भी निगेटिव जोन में अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो आज निफ्टी में अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर ये जो लो है, अगर गैप डाउन होता है तो वेट करें, या फिर अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता तो जो सैटरडे का लो था 11,629, जो कि हमारा आज के लिए बन सकता है ब्रेक डाउन लेवल, तो इसे हम मार्क कर देते हैं ब्रेक डाउन लेवल। तो इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,607, 605, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,576। और ये जो लास्ट बियरिश कैंडलस्टिक है, इसका अगर हाई ब्रेक करता है, ये हाई यानी 11,718, तो ये हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल। ये होगी हमारी ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 11,746, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,768। आज का दिन भी काफ़ी पैनिक भरा हो सकता है, तो स्मॉल ट्रेडर्स है वो अवॉइड करें आज के लिए भी ट्रेड करना, वेट एंड वॉच करें। तो यह था हमारा आज के लिए इंट्राडे लेवल्स का एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।